स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? ए 500, बी 1000, सी 718, डी 2000। आंसर सी 718। एक्सप्लेनेशन। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की आबादी का आकलन 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या 718 है। सबसे अधिक लद्दाख 477 में, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ए उदय कोटक, बी अनिल अंबानी, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी सतनाम सिंह संधु। आंसर डी सतनाम सिंह संधु। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधु को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सतनाम सिंह संधु ने 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज HCGC की स्थापना की। वही साल 2012 में उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न। हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ए संजीव जोशी, बी अमिताभ घोष, सी अनिल चौहान, डी अजीत डोभाल। आंसर ए संजीव जोशी। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर लॉन्च की। पिछले कई वर्षों में जोशी द्वारा लिखित ये पुस्तक 75 कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। आंसर डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL ने प्रति वर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव ग्रीन अमोनिया ग्रीन मेथनॉल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता अगले 5 वर्षों के लिए किया गया है और लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? ए सौरभ चौधरी, बी दिव्यांश सिंह पनवार, सी अर्जुन बाबुता, डी मोहित बंसल। आंसर बी दिव्यांश सिंह पनवार। एक्सप्लेनेशन। भारत के दिव्यांश सिंह पनवार ने काहिरा में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ओलंपियन दिव्यांश सिंह पनवार ने क्वालिफिकेशन राउंड में 632.4 के स्कोर के साथ टॉप पर रहे। वहीं भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता।